Everyone, this is Sangeet Gupta. Yesterday we have discussed about the canal irrigation और आज हम लोग discuss करने जा रहे हैं modern methods of irrigation. अभी तक हम लोगों ने कुछ traditional methods of irrigation को discuss किया था, जैसे tank irrigation हो गया, आपका well irrigation हो गया. आज हम लोग कुछ modern methods of irrigation के बारे में discuss करेंगे, जिसमें से three major methods हैं, like furrow irrigation, sprinkle irrigation एंड ड्रिप इरीगेशन. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक फरो इरीगेशन. तो जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर इज रिप्रेजेंटिंग इस फरो इरीगेशन. फरो इरीगेशन का मतलब है एक रो बना के, एग्रीकल्चर लैंड में एक रो बना के इरीगेशन करना. तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन में जो पहला इरीगेशन मेथड है वो है फरो इरीगेशन. इस इरीगेशन में क्या होता है कि एक नैरो चैनल बना के, एक दो रो के बीच में, दो ट्रीज जो लगे हुए होते हैं उन रोज के बीच में एक नैरो चैनल बना के वाटर को प्रोवाइड किया जाता है कल्टीवेटेड क्रॉप्स में. तो ये एक मेथड्स ऑफ इरीगेशन है. इसका एडवांटेज क्या होता है कि इंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कि जितने भी ट्रीज हैं उसमें प्रॉपर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का, प्रॉपरली वाटर सब पे सप्लाई हो जाता है, और इट इज़ अ मोर साइंटिफिक मैथड. अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इस तरह के इरीगेशन मैथड्स को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में, बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम टू कंस्ट्रक्ट. सेकेंड, इट इज़ ए कॉस्टलियर मैथड, काफ़ी ज़्यादा महंगा मैथड होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम वर्किंग, काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है इस तरह के इरीगेशन को करने के लिए. नेक्स्ट टाइप ऑफ इरीगेशन सेकेंड है आपका स्प्रिंकलर इरीगेशन. जैसा कि नाम से ही लग रहा है, स्प्रिंकलर यानी स्प्रिंकल करते हुए इरीगेशन. इस मेथड में क्या होता है, अ पाइप फिटेड विद अ नोजल ऑन द टॉप इज यूज थ्रू विच वाटर इज स्प्रेड डायरेक्टली टू द रिक्वायर्ड प्लांट्स. अभी आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, ये देखिए. ये बेसिकली क्या होता है, इस तरह से स्प्रिंकल इरीगेशन होता है. इसमें क्या होता है, कई सारे पाइप्स लगे हुए होते हैं, है ना, उसपे ऊपर एक नोजल होता है जिसके थ्रू क्या होता है वाटर स्प्रेड किया जाता है, और वो चारों तरफ घूमता रहता है और कई सारे आसपास के रीजन में जितने भी प्लांट और क्रॉप्स लगी होती हैं उनमें प्रॉपरली वाटर को प्रोवाइड किया जाता है. इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, लेस वेस्टेज ऑफ वाटर. इसमें जो वेस्टेज ऑफ वाटर होता है फरो इरीगेशन की कंपैरिजन में कम होता है. दूसरा, यूटिलाइज वाटर मोर इफेक्टिवली. जो वाटर का यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली होता है देन अदर मैथड्स ऑफ इरीगेशन. अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो कैन इरीगेट लेस एरिया. स्प्रिंकलर इरीगेशन में जितनी दूर तक स्प्रिंकल का पानी पहुंचेगा, वाटर पहुंचेगा, बौछार पहुंचेगी, वही उस एरिया तक ही उसको इरीगेट कर सकता है. सेकेंड है, इट इज़ एन एक्सपेंसिव मैथड. काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है और इसमें पैसा खर्च ज़्यादा होता है, तो इट इज़ एक्सपेंसिव मैथड. एंड लास्ट थर्ड है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर. जो स्प्रिंकलर के थ्रू वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है प्लांट्स को, काफ़ी ज़्यादा पानी इवेपोरेट होके वेस्ट हो जाता है. तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. अब बात करें, ये स्प्रिंकलर मेथड की पिक्चर्स हैं. और लास्ट थर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं ड्रिप इरिगेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक मेथड ऑफ इरिगेशन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा वाटर को सेविंग करने वाला अगर मेथड है वो ये ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि वाटर इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाय मींस ऑफ थिन पाइप्स विद स्मॉल होल्स. होता क्या है, देखिए, इस तरह से एक पाइप लगा हुआ होता है, एक छोटा सा होल बना हुआ होता है, और इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉपर वाटर जो है, जो कल्टीवेटेड लैंड है जहां पर ट्रीज लगे हुए होते हैं वहां पर पानी को प्रोवाइड किया जाता है. यही इरीगेशन कहलाता है आपका ड्रिप इरीगेशन. काफी ज्यादा साइंटिफिक मेथड ऑफ इरीगेशन है. अब अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा, सॉरी, एडवांटेजेस की बात करें तो कई ज़्यादा एडवांटेजेस हैं. पहला है रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर. वाटर को लॉस होने से काफ़ी ज़्यादा बचाता है, यानी वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा कम होता है. ऐसे रीजन में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल ये मेथड है जहाँ पर वाटर स्कैसिटी है, वाटर की कमी है, और वहाँ पर हमें इरीगेशन करनी है. नेक्स्ट है, वाटर इज सप्लाइड डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. जो पानी का सप्लाई होता है डायरेक्टली रूट ऑफ द प्लांट्स पे होता है, पानी का वेस्टेज नहीं होता है. थर्ड, मोस्ट एफिशिएंट मेथड. काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट, काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक मेथड है. एंड लास्ट, लीस्ट इवेपोरेशन. ना कि बराबर वाटर का इवेपोरेशन होता है, वाटर इसलिए बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है.
एंड लास्ट इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो पहला डिसएडवांटेजेस है कि वेरी कॉस्टली, काफ़ी ज़्यादा महंगा और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मोड ऑफ इरिगेशन है, क्योंकि पाइप और वगैरह काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स लगते हैं इस टाइप की इरिगेशन करने के लिए। एंड लास्ट इसका डिसएडवांटेज ये है, कैन ओनली बी यूज फॉर कॉमर्शियल फार्मिंग, क्योंकि कॉमर्शियल फार्मिंग ऐसी फार्मिंग करते हैं जिसमें हम क्रॉप को ग्रो करते हैं फॉर अर्निंग पर्पज, फॉर कॉमर्शियल पर्पज, तो उस पर्पज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह के इरिगेशन मेथड को। अदरवाइज जो इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं उसमें ये फ्रूटफुल नहीं है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़।